आज और रब ताला का करम है, उसका शुक्र है, मालिक का एहसान है कि आज हम 26वें रोजे में उसने हमें एक नई जिंदगी दी, नई सांसें दी, उसके करम से हम जिंदा हैं और आज 26वां रोजा गुजार रहे हैं और आज अजान मगरिब की तरफ हम जा रहे हैं। साथ ही मेरे मेहमान यहाँ पे मुख्तलिफ मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, सीधे हाथ पे बैठे अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब। मोहसिन अली जवादी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मेरे साथ बैठी हैं नातख्वां रिदा करबलाई हैं, पहले भी आप उन्हें हमारे इस ट्रांसमिशन में अनवारे रमज़ान की देख चुके हैं और इस साल भी हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने आई हैं। रिदा कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, तो बहुत शुक्रिया कि आप आए। अच्छा, साथ ही मेरे मेहमान बैठे हैं। अच्छा, मेहमान कौन है जी, उसके मैं पर बात कर लूँ। सबसे पहले जो जो मेहमानों में मेरे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक गवर्नमेंट ऑफ सिंध से है और एक ऐसा शोबा जिसको आपने देखा कुछ दिनों के अंदर, हमने देखा कि बड़ी एक्टिविटीज़ रही उस शोबे के एतबार से और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहा वो शोबा, जो कि हमें मतलब मैं तो अगर कहूँ कि जिस तरह से जब चूँकि हम करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करते हैं आम दिनों के अंदर जब, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन एक आध डिपार्टमेंट ऐसे जो साइड लाइन में थे, लाइमलाइट में नहीं आते, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हुई उस डिपार्टमेंट के एतबार से सिंध गवर्नमेंट में कि हमें वो बड़ा लाइमलाइट में नज़र आया वो महकमा। मैं यकीनी तौर पर बात कर रही हूँ महकमा लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट की और एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो जो कि डायरेक्टर जनरल हैं वहाँ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, रमज़ान मुबारक। चले आपसे मैं गुफ्तगू करूँगी अभी और एक और मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं इस ट्रांसमिशन के जो कि हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं डे वन से, उनका हमारा साथ बन रहा है और उसी में एक हमारा स्पॉन्सर जो कि चूँकि गर्मियों के दिन भी हैं और उस वो हम इफ्तार में आपके सामने पेश भी करते हैं अपने मेहमानों के लिए और जहां हमारा एहतमाम होता है ढाका स्वीट एंड बेकर्स का, वही हमारा एक और बड़ा उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा हमारा स्पॉन्सर है जिसमें हम गर्मी के एतबार से एक आइटम रखते हैं और वो होता है स्कीमो आइसक्रीम का। तो स्कीमो आइसक्रीम के जो CEO हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, सैयद मोहम्मद रिजवान जैदी हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद रिजवान जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, रमजान मुबारक आपको भी, सेम टू यू। तो जी नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज का मौजू नहीं कि जिसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हो उसकी तरफ तो मैं जाऊंगी अपने मेहमानों की तरफ चलती हूँ। पहले मैं मोहम्मद रिजवान साहब की तरफ ही जाती हूँ। स्कीमो आइसक्रीम जो कि बहुत ही आजकल बच्चों बड़ों सब में मकबूल है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कुछ सवालात और जानना चाहेंगे कि आप भी देख रहे हैं और हम भी जानना चाहते हैं। स्कीमो आइसक्रीम के हवाले से मुझे बताइए मोहम्मद रिजवान साहब कि एक तो स्कीमो आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट कैसे आया, फिर उसके बाद कब वजूद में आई और स्कीमो नाम ही क्यों रखा गया, क्या वजह थी, तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं। लॉन्च हुई है और अक्सर हम लोग जो है वर्ल्ड टूर पे हम लोग जाते हैं तो हम यूरोप में जो गए, स्विट्जरलैंड गए, वहाँ जो हमने नॉर्वे गए तो वहाँ पे हमने ठंडा मॉल देखा कि इतनी हमने आइस देखी, स्नो बॉल देखी कि उनके घरों के ऊपर पूरे आइस ही आइस थी। तो मैंने कहा कि ये स्कीमो के हेड में रहने वाले लोग हैं तो ये चीज़ हम अपने जो है कंट्री के अंदर लाना चाहते हैं। हाँ। तो हम अपने न्यू स्कीमो का नाम वहाँ से लेकर आए और हमने पाकिस्तान कराची के अंदर जो है न्यू स्कीमो प्लांट हमने लगाया और उसका जो हमने कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसके -35 -40 टेम्परेचर होता है तो वो हम बर्फ की तरह पूरा रूम होता है। तो हमने न्यू स्कीम आइसक्रीम इसलिए हमने इसका नाम रखा और उसके हवाले से काफी हमने इसमें जो प्रोडक्ट्स बनाए। अच्छा चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे मैं देखती हूँ कि कराची में बहुत ज़्यादा मकबूल और मारूफ और मशहूर है बहुत ज़्यादा आपकी जो क्रंच कुल्फ़ी है और हमारे यहाँ भी यहाँ अफ्तारी में हमें नज़र आते हैं और मैंने एक दफ़ा उसको टेस्ट भी किया है, बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि हम ज़्यादा खा नहीं सकते आइसक्रीम गले की वजह से, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो इट वॉज़ अमेजिंग। तो मुझे ये बताएँ कि उसकी क्या वजह है कि जो क्रंच कुल्फ़ी आपकी है वो सबसे ज़्यादा मशहूर और मज़ेदार भी बहुत है, उसके पीछे क्या राज है, उसके इंग्रेडिएंट्स और चीज़ें क्या हैं? जी जनाब, इसमें जो है कुल्फ़ी के हमारे क्रंच कुल्फ़ी है इसमें हम लोगों ने जो है वो लस्सा और खोया मिक्स करके इसमें मिल्क के साथ इंक्लूड किया। अच्छा। जी हाँ, और हमने इसमें जो है प्योर शुगर के साथ इसको हमने जो है ग्लूकोज ऐड करके इसमें हमने क्रंच का उसमें इंक्लूड किया
तो उसका एक उसका जो एक टेस्ट डिप्लोमेंट हुआ तो बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट माना। तो एक तो हमने उसमें जो है उसकी ग्राम जिसके वेट का हिसाब किताब रखा, उसका टेस्ट डिप्लोमेंट हुआ। तो मार्केट में जब उसको लॉन्च किया गया तो लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। अच्छा, मैं देख रही हूँ हमारे सामने रखी हुई भी है नाज़रीन, और आप को भी नज़र आ रही होंगी यकीनन कि ये एक मैंगो के शेप में है, कोई ऑरेंज के शेप में है, और कोई मुझे वो मटकी के अंदर छोटी सी नज़र आ रही है, जैसे हम मट्टी की मटकियाँ भी देखते हैं उस टाइप में ये हमारे सामने है। ये जो मैंगो फ्रूट आइसक्रीम है और आपने उसको मैंगो की शक्ल दी है, इसका आइडिया कहाँ से ड्राइव हुआ? जी हाँ मैडम, क्योंकि हमारा अंदरूनी सिंह से हमारा ताल्लुक है, तो ज़मीनें वगैरह हमारी वहाँ हैं, तो वहाँ पे हम लोग पानी पीते थे, मटके होते थे गांव देहातों में और खेत बागात वगैरह होते थे। तो हमने उस फ्रूट को, मैंगो फ्रूट को हमने लॉन्च इसलिए किया कि आम होता है, मैंगो होता है, तो हमने इस शक्ल के अंदर कोई आइसक्रीम नहीं बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल लूज आइसक्रीम होती है, हम उसको प्लेट में सर्विस करते हैं या कप के अंदर डाल के खाते हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना हम इसको मैंगो फ्रूट बनाएं और इसके अंदर मैंगो फ्रूट के इसमें आइसक्रीम उसमें फील की जाए। और जब ये हमारा आइडिया हमने मार्केट में लॉन्च किया, काफ़ी जो है लोगों ने इसको जो है काफ़ी लाइक किया, बहुत पसंद किया, कहने लगे ये तो रियलिटी चीज़ आ गई है, मैंगो के अंदर एक आइसक्रीम है। कौन है मेरे वाला कैमरा? अच्छा, ये तो देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये कितना प्यारा मैंगो के शेप में बनाया है, और इसी तरह से ओके ये वाला मेरा कैमरा है जी, तो ये मैंगो के शेप में आप इसको देख रहे हैं, ये मैंगो वाला है, और एक ये देखें ये ऑरेंज वाली जो है, ये ऑरेंज के शेप में आपको नज़र आ रही है, ये ऑरेंज के है, और ये जो तीसरी वाली है ये कौन सी है, मटका कुल्फी है, राइट, यही है मटका कुल्फी ये है, और वो क्रंच वाली भी हम देखते हैं जो होती है, तो ये तीनों शेप्स में है उसी के हिसाब से, बहुत अच्छी बहुत मजे की। जी जी आप कंटिन्यू करें अपना, आप बता रहे थे जी। जी अच्छा, हमारे जो ऑरेंज फ्लेवर्स है इसमें, ऑरेंज फ्लेवर में आइसक्रीम की जो डिमांड है बहुत ज्यादा कम है, कोई इसको इतनी डिमांड नहीं करता लूज आइसक्रीम के हवाले से, तो हम जो हम इसको किनू फ्लेवर के अंदर हमने लॉन्च करा, तो ये हमारे जितने भी कैटरिंग्स होते हैं, मार्ट्स होते हैं, जब उसमें जाते हैं तो वो देख के इसको अट्रैक्ट हो जाते हैं यार किन्नू आइसक्रीम के अंदर, ऑरेंज आइसक्रीम के अंदर ये क्या है, वो मालूम करते हैं ये तो आइसक्रीम है नहीं है, इसको आइसक्रीम तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करते हैं और परचेस करते हैं। और माशाल्लाह हमें इन ऑरेंज के हवाले से या मैंगो के हवाले से काफ़ी बिजनेस हमें मिला, और काफ़ी लोग हमें इसके काफ़ी लोगों ने कॉपीराइट भी किया, तो काफ़ी ये आइडिया मार्केट में पसंद आया। सैयद मोहम्मद रिजवान जैदी सीईओ हैं स्कीमो आइसक्रीम के, उनसे हम बात करते रहेंगे। मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ आती हूँ, डॉक्टर नज़ीर हुसैन कल्होड़ो साहब जो कि डीजी हैं एनिमल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के, गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज के। मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा और जो सियासतदान भी जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं ख़ासतौर पर, और आपकी तो पोजिशन ऐसी है ब्यूरोक्रेसी से आपका ताल्लुक़ है, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी बदनाम क्यों है? एक जनरल मैं सवाल करना चाह रही हूँ आपसे, वैसे सियासी प्रोग्राम नहीं है आज का, रमजान का प्रोग्राम है, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ वैसे क्यों इतना, क्यों हमारे यहाँ नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया है? ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को मैं ओवरऑल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो मेरा करियर रहा है वो यूनिवर्सिटी से लेके, वो मैं भी आपको उस पे भी आ रही हूं लेके सारे रहा, जो मैं उस निगाह से देखता हूँ, क्योंकि मैं बाहर भी बहुत ज्यादा रहा हूँ। हाँ, जी बिल्कुल, वहाँ से पीएचडी वगैरह की, वो मैं भी अपने नाज़रीन को बताऊँ वहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। इशू ये है कि यहाँ पे क्योंकि कॉलोनिज्म रहा, और मुसलसल लोग ये समझते हैं कि जितने भी आपके हकूक हैं वो ऑफिसर से मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट से मिलेंगे। सही। दूसरी तरफ मसला ये होता है कि क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो रिलेटिवली कमज़ोर होती हैं डेवलप कंट्रीज से, उनके वसायल इतने नहीं होते, इनकी टैक्स कलेक्शन इतनी नहीं होती, रिवेन्यू नहीं होती, तो हर मामला जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड फ्रंट पे कौन होता है, ज़ाहिर ऑफिसर्स होते हैं, तो इस वजह से फिर ऑफिसर्स बदनाम हो जाते हैं, फिर उनके साथ नथी किया जाता है कि ये तो करप्शन करते हैं, ये करते हैं। मिसाल एक ऑफिसर है अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है, और एक नीचे चपरासी भी अगर बैठा हुआ है और उससे 2 रुपये लेके फिर ऑफिसर से वो मिलाता है, तो वो इल्ज़ाम ऑफिसर के ऊपर आता है, हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए और है भी नहीं इस तरह। तो मुआशरा हमारा जो जिस तरफ ग्रो कर रहा है वो अखलाकी अकदार से बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, और फिर लोगों को जो है ना वो कोई ना कोई पंचिंग बैठ जाइए तो ज़ाहिर सामने जो होगा, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है ना वो उनके ऊपर निकाला जाता है। ऐसे नहीं है कि सारे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो बहुत बुरे होते हैं या करप्ट होते हैं या इस तरह होते हैं, एक किस्म का एक माहौल बना के और इसको पेश किया गया जिसके अंदर ये है कि हर बंदा अपना गुस्सा जो है ना वो आराम से निकाल सकता है,
और ऑफिसर बाउंड होता है, ऑफिसर क्या करे, ऑफिसर जो है ना बोल भी नहीं सकता पब्लिकली, हर जगह पे जाके अपनी अपनी वजाहतें नहीं पेश कर रहा होता, क्योंकि हमारे पास एक गाइडलाइन होती है जिसके तहत हमें चलना होता है। और फिर दूसरा मामला जो सबसे बड़ा होता है कि ये लोग नहीं समझ पाते कभी कभी कि भाई एक ऑफिसर के पास एक मखसूस पावर और मखसूस काम होता है, हर ऑफिसर के पास हर काम नहीं होते। अगर वो हम क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे इदारे जो है वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई आपका ये काम था, आप इस काम में क्यों पड़ गए, और लोग ये समझते हैं कि ये काम नहीं हो रहा। डॉक्टर नज़ीर हुसैन किलोड़ो साहब, बिफोर कमिंग टू इट, मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन को बताएं, नाज़रीन को मैं खुद भी बताना चाहूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो एक सिंध के एक ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं, या मैं एक ऐसे उससे बिलोंग करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि शायद सिंध में, क्योंकि ये बहुत एक परसेप्शन अगेन ये बना हुआ है कि शायद सिंध के जो कराची और हैदराबाद के अलावा जो दीगर शहर हैं या दूसरे शहरों में से, शायद लोग इतने ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं हैं, या फिर जो लिटरेसी रेट है उस एतबार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब माशाल्लाह से उनकी जो एजुकेशन, और फिर वो बाहर रहे हैं काफ़ी अर्सा, बाहर से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़कर आए और यहाँ किया, फिर यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ साइंसेज को जिस तरह से उन्होंने चलाया है और चला रहे हैं ख़ास तौर पर, और इसमें जो रिसर्च का काम है और जो सारा काम है, मैं चाहूँगी आप खुद ही बताएं लोगों को, ताकि लोगों को पता भी चले, और जो हमारे एक परसेप्शन बना हुआ है उस हवाले से, जो कि आपने स्टीरियोटाइप को तोड़ा है सारा, वो भी थोड़ा सा बताएं लोगों को। मैं समय तो ये सिंध के हवाले से सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं ओवरऑल दुनिया की बात करूँगा, हाँ। अब अगर आप गांव या देहात या जो रूरल है उसको आप ख़त्म कर देंगे तो पूरी दुनिया का टैलेंट ख़त्म हो जाएगा, ये एक बड़े जो है ना वो किसी मुफक्किर की बात है। तो होता ये है कि जो बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंस और जो होता है वो वहीं से आ रहा है, और आज भी अगर देखें पाकिस्तान के अंदर जो भी बड़े बड़े उद्दों पे, तो मैं समझता हूँ मोर देन 70-80% वो लोग हैं जो उस बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि वहाँ से आप हाथों से खुद काम कर रहे होते हैं। जहाँ तक मेरा खुद का सिलसिला है कि मैंने अपनी, क्योंकि मेरा लाड़काना से ताल्लुक़ है, और लाड़काना में, लाड़काना से बाहर 3-4 किलोमीटर बाहर एक हटी स्टाप है, वहाँ पर हमारा एक छोटा गाँव था, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम वहाँ से की हासिल की, और उसके बाद फिर अपना जो टाउन था वहाँ से हाई स्कूल के लिए भी हमें जो है ना वो इस तरह नहीं है कि शहर के अंदर हम जिस तरह आजकल हम अपने बच्चों को कार और ड्राइवर के साथ भेज रहे होते हैं, फिर पिक कर रहे होते हैं, फिर उनकी ये सारे मामला कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता था। आपको 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाके तालीम हासिल करनी होती थी, और उसमें वो आपका जज्बा होता है जो आप फिर इन हो जाते हैं उस सिलसिले में, और फिर आप अपने आप को ड्राइव कर रहे होते हैं, क्योंकि 6-7 किलोमीटर रोज़ाना जाना और वापस आना, उसके बाद फिर होमवर्क करना, एक्टिविटीज़ करना, ये सारा कुछ। तो जब मैं हाई स्कूल में गया तो मेरी सेकंड पोजीशन थी, तो उसके बाद फिर हम आए कॉलेज के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, और फिर मैंने बोर्ड में भी नमाया किरदार अदा किया, फिर मेरी मेडिकल तो में। तो सब लाड़काना आप बता रहे हैं ना, वही मैंने इसलिए कहा लाड़काना का तो बहुत हमने सुना है कि वहाँ तो लिटरेसी रेट के एतबार से जो हम सुनते हैं, और एजुकेशन का रुझान नहीं है ख़ासतौर पर सिंध में तो कहा जाता है, तो ये आपका फैमिली में था या फिर आपने खुद इसके लिए स्ट्रगल की या किस तरह से? आम तौर पे ये परसेप्शन है कि भाई जो है ना, क्योंकि अगर रूरल की पर... में ये कहा जाता है, मतलब हम तो देखते हैं ज्यादातर जो मैं ठीक है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए, मैं तो ज़्यादातर अपने प्रोग्राम में वैसे भी आम दोनों में बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करती हूँ, लेकिन बहुत क्रिटिसाइज करती है जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो सिंध में इस मामले से भी चीज़ों को, कि जी वहाँ देखें लड़काना में यूँ हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि इस तरह के एक परसेप्शन बनाई गई है, हालांकि अगर हमारे जो रूरल सिंध के अगर आप इदारे देखें तो स्टेट ऑफ आर्ट हैं, वो बहुत आगे जाते हैं। उसमें ये है कि मुआशी मसाइल लोगों के साथ इतने हायल होते हैं कि सब बच्चे जा नहीं पाते स्कूल, या फिर टीचर उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं करते। लेकिन लाड़काना के हिसाब से मैं समझता हूँ जो अंदरूनी सिंध के अजला है उसमें लाड़काना है, खैरपुरे और 2-4 अजला गिनती अभी सखर आ रहा है, तालीम के हिसाब से लाड़काना हमेशा आगे रहा है, और तालीम एतबार से भी अगर देखें तो वहाँ पे ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर क्योंकि मेरा मेडिकल में हो गया था, तो मैं वाहिद आदमी था जो मेडिकल को छोड़ के मैंने वेटनरी को सिलेक्ट किया था, और उस ज़माने में जब हम आए तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी टंडोजाम के अंदर हमारे यहाँ कोई 4 जो सूबे हैं सबके इक्वल पार्टिसिपेंट थे, यानी के पी के भी, बलूचिस्तान के भी, और उसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से भी थे, और फिर सिंध से थे, तो कोई 400 के ज़्यादा हमारी बैच थी, तो उसमें मैं हमेशा नुमाया रहा और फर्स्ट पोजीशन हासिल की, और ना सिर्फ मैं एक दफ़ा, लेकिन यह कि 5 मरतबा मैं गोल्ड मेडल रहा हूँ। फिर मैंने मास्टर्स वहाँ से की, वहीं पर ही एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया, फिर मैं बाहर चला गया,
और जर्मनी के अंदर माशाल्लाह मैंने पीएचडी की, जो आजकल जिस तरह आप कोरोना देख रही हैं, इस तरह उस ज़माने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था बर्ड फ्लू का। तो बर्ड फ्लू के हिसाब से मेरा ये चैलेंज था कि आप बर्ड फ्लू के लिए एक जो है ना टीका ईजाद करें जो सबके लिए, सबको लग सके, ह्यूमंस को भी, जानवरों को भी, सबको भी, उसके अलावा उसमें इतने फ़वाद हों कि ये पता चल जाए टेस्ट से कि भाई ये इन्फेक्टेड है या वैक्सीनेटेड है, इस तरह की। तो मेरा टास्क था, वो मैंने बखूबी अंजाम दिया। कोई 2.5 साल में मैंने पीएचडी की, फिर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर ऑनररी तौर पे मैं वहाँ पे करता रहा, और वहाँ पे मैंने जर्मनी में टॉप किया। फिर जर्मनी से यहाँ जब आए और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हिस्सा बने, तो ये थोड़ा सा पर्सनल मैं आपसे सवाल करूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, लोग कहते हैं कि वहाँ तो मतलब लोग काम करने आते ही नहीं है, मतलब ऐसा माहौल होता है वहाँ का। अगेन इट्स अ परसेप्शन कि गवर्नमेंट में तो सिंध में तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब तो वहाँ एक आप जर्मनी में जाके वहाँ काम करके फिर यहाँ आके काम करने का जो फर्क है वो कैसा है, मतलब जमीन आसमान का फर्क लगा या कैसा लगा, और फिर काम करने में बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे क्योंकि वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, आम इंसान की जो जिंदगी है, और जितनी आपकी जो सुकून के साथ और रहन सहन के साथ और हर मामला आपका सेटल्ड होता है, और अखलाकी इकदार इतने बुलंद हैं, और उसके अलावा आपके जो मुआशी मसाइल हैं या जिंदगी के जो मसाइल हैं बहुत आसान हैं। तो और वहाँ पे एक नहीं दो चार मुझे जॉब्स की ऑफर की, एक तो मैंने ज्वाइन कर चुका था तो अच्छी खासी जॉब्स को छोड़ के यही मैंने पहला इरादा किया कि मैं उम्रे पे जाऊंगा, और उम्रे पे जाके पहला थॉट ये करूंगा कि भाई मुझे वहीं पे यूरोप में रहना है या पाकिस्तान। तो सुबह को जो मुझे खाने काबा में ख्याल आया वो यही कि हम पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में आने के बाद पहले यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, फिर सिंध गवर्नमेंट को ज्वाइन करना एक तरह से एक डिफ़िकल्ट डिसीजन था शुरुआत में। लेकिन देखें गवर्नमेंट में रह के, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन थे, यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट इदारे बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट से कोई 10-20 गुना ज़्यादा देते हैं। ठीक है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम सैलरी उतनी नहीं थी जितनी आज है, लेकिन गवर्नमेंट के इदारों में वो हाल नहीं था। लेकिन एक बात है, गवर्नमेंट में रह के जो आप इम्पैक्ट करते हैं, जो सर्व करते हैं, वो प्राइवेट में आप इंडिविजुअली अपने लिए करते हैं, लोगों के लिए तो एक सहूलत पैदा करते हैं लेकिन उसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है, और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप अपने लिए कर रहे होते हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए करते रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट क्योंकि फिर पब्लिक के लिए होती है। तो डिसीशन यही था मेरे जहन से, मेरे उस्तादा जो बाहर भी थे या यहाँ पे भी थे, सबसे मिलके हमने ये डिसाइड किया कि बेहतर ये कि अगर इम्पैक्ट करना है तो गवर्नमेंट में आना है, और गवर्नमेंट में आके लार्जर स्केल पे पूरे सूबे के ऊपर इम्पैक्ट करना है। और आए इसमें कोई शक नहीं है कि हर्डल्स आती हैं, आपको जो है ना मनवाना पड़ता है, सिस्टम के अंदर भी पहले तो आपको समझना पड़ता है, उसके अलावा फिर पब्लिक का जो परसेप्शन है गवर्नमेंट के बारे में उसको चेंज करना ये बहुत जिहाद का काम है, और हमने बैठ के किया। मैं समझता हूँ इसको हम आगे बात करेंगे कि इदारे को कहाँ से कहाँ पहुँचा है, और फिर हमारे क्रेडिट पे हमने क्या कोशिश की, कितने तालीम इदारे बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी है, क्या हुआ है। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, दोनों मेहमानों से मैंने गुफ्तगू की। अलावा मोहसिन अली जवादी साहब भी बैठे हैं, नेकी के मौजू पे बात कर रहे हैं। नेकी में सबसे अफजल नेकी क्या है, मैं चाहूँगी अलावा साहब इसके ऊपर आप रोशनी डाल दीजिए। 2 मिनट है हमारे पास, फिर उसके बाद हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। जी اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنات فله عشر امثالها نیکی کا موضوع ایک بہت وسیع موضوع ہے پہلے جی سیگمنٹ میں بھی ہم بات کر چکے ہیں جی اس میں خداوند عالم ہمارے پر اتنی کریم ہے اتنا رحمان الرحیم ہے کہ اگر انسان نیکی کا خالی ارادہ کرتا ہے تو خداوند عالم حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ ان کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے اللہ اکبر اور اگر خدا نہ خواستہ انسان کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کر بھی لیتا ہے تو 7 گھنٹے تک معصومین علیہ السلام کی روایت کے مطابق 7 گھنٹے تک حکم خدا ہوتا ہے کہ اس بندے کا گناہ نہ لکھو ممکن ہے کہ یہ توبہ کر لے معافی مانگ لے گناہوں سے توبہ کر لے تو اس وقت جو ایک نیکی ہے افضل ترین نیکی مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ان کے ساتھ تعاون کرنا ان کے ساتھ مدد کرنا اور یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جب بھی میں معاملات پیش کرتا ہوں تو ایک واقعہ میں کوٹ کرتا ہوں ایک بندہ خدا نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ مولا ایک آپ کا چاہنے والا ہے وہ ایک عجیب قسم کی نیکی کرتا ہے چونکہ جہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں نیکی کی اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ نیکی شمار نہیں ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ مولا ایک آپ کا چاہنے والا ہے ظاہراً وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ماننے والا ہوں اور وہ کیا کرتا ہے کہ بازار میں چلا جاتا ہے فروٹ چراتا ہے اور پھر آگے گلی میں جا کے کچھ مساکین فقراء یتیم بیٹھے ہوتے ہیں ان میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہے تو مولا آپ ان کو سمجھائیں کہا کہ جب ہم نے انہیں سمجھایا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ جو ایک نیکی کرے گا ایک کے بدلے میں 10 خدا بند عالم نیکی عطا فرمائے گا 10
तो अगर कोई एक गुनाह करेगा तो एक के बदले में एक ही लिखा जाता है, तो वो कहता है कि 10 में से एक निकाल दो बाकी 9 बच जाएंगे, तो 9 का हिस्सा भी सवाब मुझे मिलेगा। तो अगले दिन इमाम उसके पीछे हो लिए, जैसे इमाम पीछे हैं तो वो आगे जा रहा है, कभी किसी ठेले से फ्रूट चुराता है, कभी किसी ठेले से फ्रूट चुराता है, अपने अबा के दामन में, जुब्बे के दामन में छुपाता चला जाता है। आगे इमाम गए तो देखा तो गली में फुकरा यतीम मसाकीन बैठे हुए थे, उनमें वो चीज़ें तकसीम करता हुआ चला जा रहा है, किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है। आगे जाके इमाम ने उसे आवाज़ दी, पलट के देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आ रहे थे। तो इमाम ने फरमाया कि बंदा खुदा तूने क्या किया है? कहा मौला मैंने वो किया जो कुरान कहते हैं। इमाम ने फरमाया तूने कुरान को सही तरीके से समझा नहीं है, तो चूंकि तू वारिसाने कुरान के दरवाजे पे आया है तो कुरान उस वक्त समझ नहीं आता जब तक वारिसे कुरान से ना पूछा जाए। तो आपने क्या पढ़ा है? कहा मौला मैंने पढ़ा है कि जो आदमी एक नेकी करता है खुदावंद आलम एक के बदले में 10 नेकियां अता फरमाता है 10, और अगर कोई गुनाह एक करता है तो एक के बदले में एक गुनाह लिखा जाता है। तो मौला मैंने वो 10 नेकियां की हैं, एक मैंने गुनाह किया है, तो एक निकाल दो बाकी 9 नेकियां बच जाती हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया बंदा खुदा ऐसा नहीं है, नेकी वो नेकी एक की 10 शुमार की जाती है कि जिसमें बुनियाद ही असल पाक हो, नेक हो, हलाल हो। अगर हराम से आप करेंगे तो वो नेकी शुमार नहीं होती है। तो इसीलिए मखलूक खुदा की आप जो आप खिदमत कर रहे हैं या नेकी कर रहे हैं तो नेकी में रियाकारी नहीं होनी चाहिए। अफजल तरीन नेकी का ये दर्जा ये है कि रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। आजकल लोग क्या करते हैं, हम किसी को देते हैं तो हम कहते हैं उसी को दे जो हमारी तारीफ करे, उसी को दे जो हमारे बाद में जो है हमारी तारीफ के पुल बांध दे। तो इस किस्म की नेकी जो है इस्लाम में ये रायगां चली जाती है, बेकार चली जाती है। नेकी का यह है कि आप एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को मालूम भी ना हो, यानी सिर्फ खुदा की खुशनुदी की खातिर ही की जाने की। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अलाम मोहसिन अली जवादी साहब नेकी के मौजू पर रोशनी फरमा रहे थे। रिदा करबलाई की तरफ आऊंगी। रिदा आज कौन सा कलाम पेश करोगी, क्या तैयार करके लेकर आए हो? पेश करूंगी और दो तीन मिस्ट्रेस के हवाले से। तू है बड़ा रहमान मौला, तू बड़ा रहमान, तू है बड़ा रहमान मौला, तू बड़ा रहमान। एहसान हम पे है ये तेरा रब्बे जलाल, उम्मत में उसकी पैदा किया जो है बेमिसाल। दुख्तर बतूल जिसकी हसन और हुसैन लाए, लहमों का लहमी जिसका अली जैसा बा कमाए। कुरानो अहले बैत को तूने किया यकजा, तू है बड़ा रहमान मौला, तू बड़ा रहमान। आदम से ताबा मेहदी आखिर तेरी अता, तेरे करम के बार तले सारे अंबिया। मूसा के हक में नील में रास्ता बना दिया, मसलूब हो के ईसा के लपर थी ये सदा। हर दिल में तू मकीन है कहने को ला मकान, तू है बड़ा रहमान मौला, तू बड़ा रहमान, तू है बड़ा रहमान मौला, तू बड़ा रहमान। और जहरा के घर सितारा जो तेरा तो ये खुला, महबूब पंजतर को बहुत रखता है खुदा। मकतब हसन हुसैन का ये घर बना रहा, मसनद नबी की उस पे मुसल्ला अली का था। चौखट पे जिसकी रहता है जिब्रील सा दरबान, तू है बड़ा रहमान मौला, तू बड़ा रहमान। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रही थी रिदा करबलाई, हमारे साथ मौजूद थी। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वक्फा होता है जिस पे हम जाते हैं, वहाँ पे शेफ़ इकबाल मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। शेफ़ इकबाल की तरफ मुझे जाना है। शेफ़ इकबाल आज क्या बना रहे हैं, क्या पका रहे हैं, मेहमानों को क्या झटपट बना के खिलाना है, और क्या
घर वालों को जो है वो अफतारी में पेश करना है, ये सब बताते हैं इकबाल जो कि दूसरे सेट पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ये वक्फा थोड़ा सा इस सेट से लंबा होगा, लेकिन उसमें आप जाएंगे इकबाल की तरफ, इकबाल शेफ 21 में। सो शेफ इकबाल, ओवर टू यू। इसके बाद हम वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।